Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with the chapter number 2, whole numbers. और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नंबर लाइन. ठीक है, तो नंबर लाइन क्या होती है? तो नंबर लाइन जानने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन बना लेंगे. ठीक है, और यहाँ मार्क कर देंगे ज़ीरो. ठीक है, ज़ीरो के बाद हम मार्क करेंगे 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, और ये नंबर लाइन ऐसे ही आगे जाती रहती है. ठीक है, 8, 9, 10 इस तरीके से. ठीक है, तो इसे कहा जाता है नंबर लाइन फॉर द होल नंबर्स. ठीक है, और 0 से 1 का जो डिस्टेंस होता है इसे कहते हैं यूनिट डिस्टेंस. ठीक है, क्या कहते हैं? यूनिट डिस्टेंस. ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर लाइन. नंबर लाइन में जब हम राइट हैंड साइड जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं, तो क्या होते हैं, नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं. ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में रहते हैं नंबर्स. ठीक है, और राइट हैंड साइड से जब हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड से जब लेफ्ट हैंड की तरफ हम आते हैं, तो नंबर्स क्या हो जाते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाते हैं. ठीक है, अब हम देखेंगे कि नंबर लाइन पे एडिशन कैसे करते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हाउ टू डू एडिशन ऑन द नंबर लाइन. सपोज हमें दिया हुआ है 3 प्लस 4. ठीक है, बोला है 3 प्लस 4 करो यूजिंग नंबर लाइन. ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास नंबर लाइन तो है, हम किसे मार्क कर लेंगे, 3 को मार्क कर लेंगे. ठीक है, यहाँ है 3. अब हमें कितना ऐड करना है, 4 ऐड करना है, तो हम आगे चले जाएंगे, 4 यूनिट्स आगे चले जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4. ठीक है, हम कहाँ पहुँच गए, 7 पे पहुँच गए, यानी कि 3 प्लस 4 हो गया 7. ठीक है, एक और एडिशन ट्राई करते हैं. सपोज हमें गिवन है 2 प्लस 6. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले किसको मार्क कर लेंगे, 2 को मार्क कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ मार्क कर लेते हैं हम 2. ठीक है, फिर कितने यूनिट्स आगे जाएंगे, 6 यूनिट्स आगे जाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, हम कहाँ पहुँच गए, 8 पे पहुँच गए, यानी कि 2 प्लस 6 होता है 8. ठीक है, तो इस तरीके से एडिशन किया जाता है नंबर लाइन पे. अब हम ट्राई करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे ट्राई दिस का, जो कि गिवन है पेज नंबर 30 पे. ओके, सो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सबसे पहले तो ट्राई दिस हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि गिवन है पेज नंबर 30 पे. क्वेश्चन दिया है फाइंड 4 प्लस 5, 2 प्लस 6, 3 प्लस 5 एंड 1 प्लस 6 यूजिंग द नंबर लाइन. यानी कि नंबर लाइन को यूज़ करके हमें ये एडिशन फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. वेरी फर्स्ट हमें दिया हुआ है 4 प्लस 5, तो पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना लेंगे. ठीक है, स्टार्ट करेंगे विथ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. ठीक है, 10 तक बना लेते हैं. फर्स्ट हमें दिया है 4 प्लस 5, तो 4 हम क्या मिले, पहले मार्क कर लेंगे, 4 को मार्क कर लेंगे. ठीक है, देन हमें कितने यूनिट्स आगे जाना है, 5 यूनिट्स आगे जाना है, सो 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, कहाँ पहुँच गए हम, 9. इट मीन्स 4 प्लस 5 इज़ 9. ठीक है, सेकेंड हमें दिया हुआ है 2 प्लस 6. 2 प्लस 6 के लिए अगेन हम नंबर लाइन बना लेते हैं, सो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दिया है हमें 2 प्लस 6, तो पहले हम किसको मार्क कर लेंगे, 2 को मार्क कर लेंगे. कितने यूनिट्स हमें आगे जाना है, 6 यूनिट्स आगे जाना है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6. कहाँ पहुँच गए हम, 8. सो 2 प्लस 6 इज़ 8. ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं 3 प्लस 5 दिया है, अगेन एक नंबर लाइन बना लेंगे. ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, हमें दिया है 3 प्लस 5, यहाँ लिख लेते हैं 3 प्लस 5. 3 को मार्क कर लेंगे, फिर कितने यूनिट्स आगे जाना है, ठीक है, ऐड करना है, यानी कि हम राइट हैंड साइड जाएंगे, तो 5 यूनिट्स आगे जाना है, 1, 2, 3, 4, 5. तो हम पहुंच गए 8 पे, सो 3 प्लस 5 इज़ 8. अब करते हैं नेक्स्ट वन, 1 प्लस 6. 1 प्लस 6 के लिए अगेन एक नंबर लाइन बना लेंगे, 0
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 1 + 6, तो 1 को मार्क कर लेंगे, कितने यूनिट्स आगे जाएंगे, 6 यूनिट्स आगे जाएंगे क्योंकि ऐड कर रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहाँ पहुँच गए हम, 7 पे पहुँच गए। सो 1 + 6 = 7, ठीक है। तो हमने सीख लिया कि कैसे एडिशन करते हैं, अब हम सीखेंगे कि कैसे नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। इसमें सीखेंगे हम कि नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। मान लो हमें दिया हुआ है 7 - 5, ठीक है, बोला है नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन करो। तो कैसे करेंगे, पहले नंबर लाइन बना लेंगे, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। फिर पहला नंबर क्या दिया है हमें, 7 दिया है, 7 को हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब एडिशन में हम क्या करते थे, हम राइट हैंड साइड जाते थे क्योंकि हमें एडिशन करना होता था, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस दिया है तो हम क्या करेंगे, हम पीछे की साइड जाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, ठीक है। और कितने यूनिट्स पीछे जाएंगे, 5 दिया है हमें, 5 को माइनस करना है, यानी 5 यूनिट्स हम पीछे जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ पहुँच गए हम, 2 पे, यानी कि 7 - 5 होता है 2, ठीक है। मान लो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है 10 - 6, ठीक है, नंबर लाइन पे करना है, नंबर लाइन बना लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। बोला है 10 - 6 करना है, तो पहले मार्क कर लेंगे हम 10 को। अब कितने यूनिट्स पीछे जाएंगे, 6 यूनिट्स पीछे जाएंगे क्योंकि -6 करना है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहाँ पहुँच गए हम, 4 पे, यानी कि 10 - 6 होता है 4, ठीक है। तो ये ऐसे करते हैं सब्ट्रैक्शन, एडिशन होता है तो आगे बढ़ते हैं और सब्ट्रैक्शन होता है तो हम पीछे चले जाते हैं, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं, ट्राई दिस जो कि गिवन है पेज नंबर 30 पे, ठीक है, वो भी सब्ट्रैक्शन बेस्ड है। सो स्टार्ट करेंगे, सो स्टार्ट करते हैं ट्राई दिस जो कि गिवन है पेज नंबर 30 पे, ठीक है। ये सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन के ऊपर बेस्ड है। हमें क्वेश्चन दिया है फाइंड 8 - 3, 6 - 2, 9 - 6 यूजिंग द नंबर लाइन, ठीक है। यानी कि हमें ये सब्ट्रैक्शंस करने हैं किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं 8 - 3, ठीक है, नंबर लाइन बना लेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, ठीक है, 10 तक बना ली। हमें करना है 8 - 3, तो हम पहले क्या मार्क कर लेंगे, 8 को मार्क कर लेंगे, ठीक है। फिर अब माइनस करना है तो हम क्या करेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएंगे, ठीक है। कितने यूनिट्स पीछे जाएंगे, 3 यूनिट पीछे जाएंगे। 1, 2, 3, कहाँ पहुँचे हम, 5 पे, यानी 8 - 3 होता है 5, ठीक है। सेकेंड करते हैं 6 - 2, अगेन एक नंबर लाइन बना लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। 6 - 2 करना है हमें, तो किसे मार्क करेंगे हम, 6 को मार्क करेंगे, ठीक है। कितने यूनिट पीछे जाएंगे, 2 यूनिट्स पीछे जाएंगे। सो 1, 2, कहाँ पहुँचे हम, 4 पे, सो आंसर इज 4, ठीक है, 6 - 2 होता है 4। अब करते हैं नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज 9 - 6, अगेन एक नंबर लाइन बनाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, हमें करना है 9 - 6, तो 9 को मार्क कर लेंगे। कितने यूनिट्स पीछे जाएंगे, 6 यूनिट्स पीछे जाएंगे, ठीक है, क्योंकि -6 करना है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहाँ पहुँचे हम, 3 पे, सो 9 - 6 = 3, ठीक है। तो ये था सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। अब हम स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन। सो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। अब हम सीखेंगे कि नंबर लाइन पे मल्टीप्लिकेशंस कैसे करते हैं, ठीक है। सपोज हमें दिया हुआ है 4 × 3, ठीक है, 4 3s फाइंड आउट करना है ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। पहले नंबर लाइन बना लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
11, 12, 13, ठीक है, 13 तक बना लिया। अब देखो ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, अब देखो 4 जो होता है, ठीक है, फर्स्ट जो नंबर होता है तो उसे समझ लो, हमें कितने टाइम्स जंप करना है, 4 टाइम्स जंप करना है, ठीक है, 4 टाइम्स जंप करना है, और कितने यूनिट्स जंप करना है, 3 यूनिट्स जंप करना है, ठीक है, यानी एक बार में हमें 3 यूनिट्स जंप करनी है, ठीक है। तो सपोज़ 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 0 से ही स्टार्ट करना है, सो 1, 2, 3, तो ये हो गया फर्स्ट जंप, अगेन 1, 2, 3, ये हो गया सेकेंड जंप, 1, 2, 3, ये हो गया थर्ड जंप, और 1, 1, 2, 3, ये हो गया फोर्थ जंप, ठीक है। तो 4 टाइम्स हमने जंप कर लिया, हर हर बार में हमने 3 यूनिट जंप किए थे, तो हम कहाँ पहुँचे, 12 पे पहुँचे, यानी कि 4 3 12, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं, मान लो आपको दिया हुआ है 5 × 2, ठीक है, तो यानी कि 5 टाइम्स जंप करना है, और कितने यूनिट्स जंप करनी है, 2 यूनिट्स जंप करनी है, ठीक है। अगेन एक नंबर लाइन बना लेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, कितनी यूनिट्स जंप करनी है, 2 यूनिट्स जंप करनी है, सो 1, 2, ठीक है, ये एक टाइम हो गया, ऐसे ही 5 टाइम्स जंप करना है, सो 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ठीक है, कितने जंप्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 जंप्स हो गए, कहाँ पहुँचे हम, 10 पे पहुँचे, सो 5 × 2 = 10, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऑन द नंबर लाइन। अब हम ट्राई करेंगे, ट्राई दिस, जो कि गिवन है पेज नंबर 30 पे, वो मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन पे ही बेस्ड है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ट्राई दिस स्टार्ट करते हैं, जो कि गिवन है पेज नंबर 31 पे, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। सो फर्स्ट हमें दिया हुआ है 5 × 2 × 6, 3 × 3, 4 × 2 यूजिंग द नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन को यूज़ करके हमें ये सारे मल्टीप्लीकेशंस करने हैं। सो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट 2 × 6, ठीक है, नंबर लाइन बना लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है, ठीक है। अब कितने टाइम्स जंप करना है, 2 टाइम्स जंप करना है, कितने यूनिट्स जंप करना है, 6 यूनिट्स जंप करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे 0 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट जंप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो जाएगा सेकेंड जंप, ठीक है, 2 जंप हो गए, कहाँ पहुँचे हम, 12 पे, सो 2 × 6 हो गया 12, ठीक है। इसी तरीके से 3 × 3 करेंगे, नंबर लाइन बनाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो 3 टाइम्स जंप करना है, 3 यूनिट्स जंप करना है, सो 1, 2, 3 फर्स्ट जंप, 1, 2, 3 सेकेंड जंप, 1, 2, 3 थर्ड जंप, 3 जंप हो गए, 3 यूनिट्स हो गए, कहाँ पहुँचे हम, 9, सो 3 × 3 = 9, ठीक है, हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑन द नंबर लाइन। अब लास्ट वन ट्राई करते हैं, 4 × 2, स्टार्ट करते हैं, 4 × 2, नंबर लाइन बनाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब कितने टाइम्स जंप करना है, 4 टाइम्स जंप करना है, कितने यूनिट्स जंप करना है, 2 यूनिट्स जंप करना है, ठीक है, 2 यूनिट्स, ठीक है। सो 0 से स्टार्ट करेंगे, 1, 2 फर्स्ट जंप, 1, 2 सेकेंड जंप, 1, 2 थर्ड जंप, 1, 2 फोर्थ जंप, ठीक है, 4 टाइम्स जंप कर लिया, कहाँ पहुँचे, 8 पे, सो आंसर इज 8, 4 × 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है ट्राई दिस विच वॉज गिवन ऑन पेज नंबर 31। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।